इसके आने वाले हैं। जिला निर्वाचन विभाग ने मतगणना शुरू कर दी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग की जा रही है और उसके थोड़ी देर बाद ही ईवीएम के मतों की भी गणना की जाएगी। लगभग 9:30 बजे पहले रुझान आने की संभावना जताई जा रही है। मतगणना स्थल पर ट्रिपल लेयर की सिक्योरिटी भी लगाई गई है ताकि किसी भी तरीके की कोई भी हानि ना हो। और साथ ही 17 टेबल पर यह करणपुर चुनाव का मतगणना आज होना है। 14 टेबल पर ईवीएम और 2 टेबल पर पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हो रही है। 1 टेबल पर ETPBMS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम के जरिए मतों की गणना की जा रही है और मल्टीपर्पज स्कूल अंडरपास से 3 पुली तक यातायात बंद रहेगा यानी कि सुरक्षा के। तो ईवीएम से मतों की गणना अब शुरू हो गई है। पहले तो पोस्टल बैलेट के जरिए 2 पोस्टल बैलेट की गणना होनी थी, उसके बाद ईवीएम से मतों की गणना शुरू होनी थी, लेकिन अब आपको ये भी बड़ी खबर बता रहे हैं कि ईवीएम से भी मतों की गणना अब शुरू कर दी गई है। थोड़ी देर में पहले रुझान की पहली तस्वीर आपको न्यूज 18 राजस्थान आप तक पहुंचाएगा। बता दें यह हॉट सीट इसलिए मानी जा रही थी क्योंकि एक तरफ गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे रुपिंदर सिंह कुन्नर को उतारा गया और दूसरी तरफ से बीजेपी की तरफ से सुरेंद्र पाल टीटी को उतारा गया और मंत्रिमंडल में उनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ भी दिलाई गई और इसके विरोध में कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ तौर पर कहा कि यह आचार संहिता का उल्लंघन है और इसलिए इनको अघोषित किया जाए, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। टफ फाइट है, त्रिकोणीय मुकाबला है। 12 उम्मीदवार इस सीट पर उतरे हुए थे और जिस पर अब काउंटिंग ईवीएम के जरिए शुरू हो चुकी है। इस खबर पर हमारे संवाददाता अशोक लगातार जुड़े हुए हैं। अशोक, अभी क्या अपडेट है? बैलेट पेपर की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, ईवीएम से काउंटिंग शुरू हो गई है? अशोक, देखिए श्रुति, ठीक 8 बजे पोस्टल बैलेट्स की गिनती शुरू हुई थी, अभी वो जारी है। हालांकि अच्छा। उसको कंप्लीट होने में भी समय लगेगा, लेकिन ठीक 8:30 बजे जैसा कि जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा तय किया गया है कि ईवीएम मतों की गिनती शुरू कर दी जाएगी और अभी सिमम श्रीगंगानगर जिला निर्वाचन विभाग द्वारा तय किए गए मतगणना स्थल पर ही मौजूद है। हम आपको यहां की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, हम ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी में है और ये तीसरा सिक्योरिटी है जहां के बाद कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति मतगणना स्थल में प्रवेश नहीं कर सकता है। पूरे पुख्ता इंतजाम जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई कोताही ना हो। और अभी आप देख भी पा रहे होंगे कि जिला पुलिस के द्वारा पूरे इंतजाम किए गए। हमारे साथ श्रीगंगानगर एसपी विकास शर्मा जी मौजूद हैं। एसपी साहब, सिक्योरिटी को लेकर काफी पुख्ता इंतजाम किए गए? जी बिल्कुल, आज की काउंटिंग के लिए जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है वो की गई है और काउंटिंग शांतिपूर्वक हो और इसके लिए व्यवस्था पूरी की गई है। बिल्कुल, ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी है। फर्स्ट लेयर बाहर रखी गई है, सेकंड लेयर यहाँ रखा गया है और थर्ड लेयर ये है। ट्रैफिक भी डाइवर्ट किया गया है शहर में कई जगह पर। हाँ, जो काउंटिंग स्थल पर आने वाली जगह है उसके लिए ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है ताकि यहाँ की व्यवस्था भी बना सके और उसके लिए डाइवर्जन पॉइंट्स भी बनाए गए हैं, लोगों को लगाए गए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, ये थे श्रीगंगानगर एसपी विकास शर्मा जिन्होंने कहा कि मतगणना स्थल पर ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी रखी गई है ताकि मतगणना में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। साथ ही साथ चूंकि मतगणना स्थल के बाहर ट्रैफिक भी डाइवर्ट किया गया है ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो और मतगणना के काम में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। आपको मैं जिला निर्वाचन विभाग द्वारा तय किए गए मतगणना स्थल की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, पूरे पुख्ता इंतजाम यहां पर सिक्योरिटी के किए गए हैं ताकि कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति मतगणना में प्रवेश ना कर सके। ठीक 8:30 बजे का वक्त हो रहा है, यानी कि हम मान के चले कि अंदर अब मतगणना कार्मिकों के द्वारा ईवीएम मशीनों को खोलने का काम शुरू कर दिया गया होगा ताकि ठीक 14 टेबल्स पर इस समय ईवीएम की मशीनें लगाई गई हैं और इन ईवीएम मशीन्स के जरिए अब कुछ ही देर बाद उम्मीद ये जताई जा रही है कि लगभग 9:15-9:30 बजे तक हमारे पास पहला रुझान आना भी शुरू हो जाएगा। जी शुरू। तो अभी 3 लेयर की सिक्योरिटी और 3 किलोमीटर तक शायद किसी को भी आने की परमिशन नहीं है अशोक, अगर मैं सही हूं तो? बिल्कुल, देखिए मल्टीपर्पज स्कूल अंडर पास से लेकर 3 पुली तक, बल्कि महाराजा गंगा सिंह चौक से लेकर इधर डीएवी स्कूल की जितनी भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं यहां पर पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग की गई है और बैरिकेडिंग कर ये प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी अनाधिकृत वाहन भी मतगणना स्थल के आसपास ना पहुंच सके। साथ ही साथ जो लोग मतगणना स्थल की तरफ आ रहे हैं, चाहे वो मीडियाकर्मी हो, चाहे इलेक्शन एजेंट्स हो, चाहे वो मतगणना से जुड़े हुए कार्मिक हो, उनकी प्रॉपर आइडेंटिटी चेक की जा रही है और उनकी अधिकृत पास को देखने के बाद ही उन्हें मतगणना स्थल पर प्रवेश दिया जा रहा है। और मैं आपको अभी यहां की तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, ये थर्ड और आखिरी सिक्योरिटी लेयर है और यहां पर भी पुलिस जाब्ता पूरी तरह से तैनात है। मेटल डिटेक्टर साथ में है,
कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मतदान कार्मिक हो, इलेक्शन एजेंट हो या फिर मीडिया कर्मी हो, बाकायदा उसकी एंट्री की जाती है, उसको मेटल डिटेक्टर से चेक किया जाता है कहीं वो कोई ऐसी वस्तु तो कैरी नहीं कर रहा है जिससे मतगणना प्रभावित हो सकती हो। यहां तक कि मीडिया कर्मियों को भी जो मोबाइल्स की परमिशन है वो भी केवल मीडिया सेंटर तक है, मीडिया सेंटर के बाद मीडिया कर्मी भी अपने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते और अंदर जो कार्मिक है उनको भी किसी भी तरह के मोबाइल की परमिशन नहीं दी गई है। आप ये देखिए, अभी जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं हमारे दर्शक, ये न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, ये अंदर मतगणना स्थल की है जहां पर पूरी चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि बहुत सेंसिटिव चुनाव है और मतगणनाओं को लेकर किसी भी तरह की कोई कोताही ना बरती जाए उसके पुख्ता इंतजाम किए गए। श्री गंगानगर जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा ठीक 8 बजे मतगणना शुरू कर दी गई है और 8:30 बजे के करीब मशीनें भी खोलने का काम शुरू कर दिया गया है। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग, जी पोस्टल बैलेट की काउंटिंग कब तक पूरी हो जाएगी और ईवीएम की मत की पेटी कब तक खुलेगी? देखिए, ठीक 8:30 बजे ईवीएम मतों की गिनती करने का कार्यक्रम जिला निर्वाचन के द्वारा तय किया गया था। अब मान सकते हैं काम अंदर 8:36 तो बिल्कुल हम ये मान रहे हैं कि श्री गंगानगर जिला निर्वाचन विभाग द्वारा तय की गई सभी 14 टेबल्स पर ईवीएम मशीनें पहुंच चुकी हैं और ईवीएम मशीनों को खोलने का काम भी जिला निर्वाचन विभाग के कार्मिकों के द्वारा शुरू कर दिया गया है, ये हम बिल्कुल तय माने। और साथ ही साथ जो 2 टेबल्स लगाई गई थी पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग के लिए वो काम भी जारी रहेगा। हालांकि पोस्टल बैलेट्स को काउंट करने में थोड़ा समय लगता है तो उम्मीद है कि वो 9:30 या 10 बजे तक या फिर हो सकता है इससे लंबे समय तक भी उनकी काउंटिंग पूरी हो, लेकिन इस बीच में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तय गाइडलाइन के मुताबिक ठीक 8:30 बजे ईवीएम मशीनों को खोलने का काम शुरू कर दिया गया है। हम ये मान के चले कि अंदर ईवीएम मशीन के लिए मतों की काउंटिंग के लिए जो 14 टेबल्स लगाई गई थी वो 14 टेबल्स पर ईवीएम मशीनें खुल चुकी हैं और वहां की काउंटिंग का काम भी शुरू हो चुका है। हालांकि पहला रुझान आने में शुरू थी, देखिए 9 से 9:30 बजे का वक्त जरूर लगेगा ताकि हम इन सब चीजों को देख सकें और उम्मीद यह है कि 12:30 बजे तक करनपुर विधानसभा सीट की चुनावी परिणाम लगभग बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे। जी श्रुति, इतनी हाई सिक्योरिटी अशोक रखी गई है, क्या इस तरह की कोई भनक लग पाई है कि वहां पर उपद्रव या हंगामा हो सकता है? देखिए, ऐसी तो कोई संभावना फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है, चूंकि गंगानगर की करनपुर विधानसभा सीट स्थगित चुनाव है जिन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा पूर्व विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद स्थगित कर दिया गया था, तो उसके बाद में कहीं ऐसी कोई संभावना बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। लेकिन न केवल प्रदेश की बल्कि पूरे देश की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ साथ